एक दिवसीय कार्यक्रम के तहत जमुई डीएम अवनीश कुमार सिंह मंगलवार को चकाई प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीडीओ कार्यालय कक्ष में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर कोरोना टीकाकरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में उन्होंने बारी बारी से स्वास्थ्य विभाग एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों एवं टीकाकरण कार्य से जुड़े पदाधिकारियों से बातचीत कर टीकाकरण के अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद डीएम ने बताया कि कोरोना टीकाकरण और पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने पदाधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिया है। चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी की गई। उन्होंने टीकाकरण गति को और तेज करने का निर्देश दिया। कहा कि भौगोलिक क्षेत्रफल और सुदूरवर्ती इलाके में आबादी होने के कारण टीकाकरण कार्य तेज गति से नहीं हो पा रहा। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में दो दो वाहन के माध्यम से घर घर जाकर प्रत्येक वार्ड में टीकाकरण कार्य कराया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, सभी लोग टीकाकरण कराएं। अभी तक जिले में 60% से अधिक लोगों ने वैक्सीन ले ली है। आम लोगों के जन सहयोग से इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। एक सप्ताह तक इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे ताकि चकाई प्रखंड वैक्सीनेशन के मामले में अपना निर्धारित कोटा पूरा कर ले। इस अवसर पर बीडीओ दुर्गा शंकर, सीओ राकेश रंजन, पीओ संजय कुमार, सीडीपीओ इंदु कुमारी, डीपीआरओ बबुआ पासवान एवं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। चार जाती है, 3 तारीख को यहाँ पर चुनाव है और आगामी 20 तारीख को परसों ही सोनो ब्लॉक का भी चुनाव है, क्योंकि कटा हुआ ही ब्लॉक है, इसलिए सोनो ब्लॉक में हम लोग लगातार समीक्षा कर ही रहे हैं। प्रातःकाल मैंने सोनो ब्लॉक में समीक्षा की थी और अभी डीडीसी साहब वहाँ पर गए हुए हैं और जो उससे सटा हुआ एरिया है चकाई ब्लॉक का उसको भी देखना था और फिर 3 नवम्बर को कटे चरण में यहाँ भी चुनाव है तो उसकी भी तैयारी समीक्षा मैंने की है। और जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था कोविड टीकाकरण को लेकर के, क्योंकि चकाई ब्लॉक की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही सामान्य से हट है, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और जो हमारी जनसंख्या है वो काफ़ी बिखरी हुई, तो टीकाकरण की स्थिति अब तक मिला मिला के ठीक रही है, लेकिन इसको गति देने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। तो समीक्षा क्रम में हमने ये पाया है कि टीम जा तो रही है घर घर, परंतु दूरी अधिक होने के कारण उसका प्रतिफल उतना अच्छा नहीं आता, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम लोग प्रत्येक पंचायत में 2 गाड़ी देंगे और हमारी जो टीम है ANM जो कि वैक्सीनेशन करती है उनके साथ वेरीफायर रहते हैं प्लस सेविका और आशा, इनका कम मोबिलाइजेशन का है। ये लोग प्रत्येक वार्ड में एकदम घर घर जाएंगे और एक एक आदमी को टच करेंगे। तो हम लोग जो योजना है कि अगर हम लोग लगभग 1 सप्ताह इस प्रकार का सघन अभियान चला देंगे तो प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायतों में लोगों को टच करने में हम लोग सफल रहेंगे और आप लोगों के मीडिया बंदों के माध्यम से हम जो भी चकाई ब्लॉक के हमारे लोग 18+ आयु वर्ग के लोग हैं और जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है, हम सभी से अपील भी करना चाहेंगे कि अभी जो वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, जरूर टीम जाएगी कल से आपके पंचायत में, तो आप लोग सहयोग करें और जो भी लोग अब तक वैक्सीनेट नहीं हुए हैं आप लोग वैक्सीनेशन कराएँ। जिले में जो वैक्सीनेशन है वो 60% से अधिक हो चुका है और चकाई ब्लॉक ही थोड़ा है जो किंचित भौगोलिक कारणों से अभी इसमें पीछे हैं अन्य ब्लॉक की तुलना में, जिसमें भी हम लोग अभियान चलाएंगे और जन सहयोग हम लोगों को इस प्रकार से अभी तक इस ब्लॉक में भी मिला है और अन्य ब्लॉकों में भी मिला है, उसके माध्यम से हम लोग निश्चित रूप से इसमें भी चकाई ब्लॉक में भी लगभग 65-70% उपलब्धि हासिल करने में सफल। सर मेगा वैक्सीनेशन में सर चकाई का क्या टारगेट है? सर ऐसा कोई टारगेट तो नहीं दिया गया है, मेनली भवनों का अभियान जो ये अंतिम भवनों का प्रयास यही है कि हम घर घर जाएँ और हर व्यक्ति को टच करें। फिलहाल चूँकि काफ़ी आप देख ही जाएंगे बरसात हो रही बहुत तेज़ी से, तो शुरुआत में 1-1.5 घंटे तो कार्य हुआ लेकिन तेज बरसात की वजह से निश्चित रूप से अभियान पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो सतत कार्य है, निरंतर कार्य है, इसीलिए उन्होंने 1 सप्ताह का लक्ष्य रखा है कि 1 सप्ताह एकदम सभी टीमें घर घर जाएंगी और 1 सप्ताह में इसको पूरे ब्लॉक को अच्छा रखेंगे। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर